वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइनिंग। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, जो कि हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज माइनिंग। तो जानते हैं माइनिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि माइनिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है, एक ऑपरेशन होता है, जिससे हम इकोनॉमिक मिनरल ओर, कोल या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल मटेरियल जिसकी मार्केट में कुछ वैल्यू हो, उस मटेरियल को हम अर्थ के क्रस्ट से, मतलब ज़मीन से हम निकालते हैं, यानी एक्सकेवेट करते हैं। उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को माइनिंग कहा जाता है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, माइनिंग इज द प्रोसेस और ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटिंग इकोनॉमिकल मिनरल ओर, कोल और अदर इकोनॉमिकल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड एज माइनिंग। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट शो किया हुआ है। जो टॉप की लेयर है अर्थ की, वो उसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, और उसी में हमें सारा मिनरल्स डिपॉजिट हमें एक्सकेवेट करना होता है। अब बात करते हैं कि मटेरियल्स जो एक्सकेवेटेड करते हैं हम अर्थ क्रस्ट से, वो कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला जो है हमारा मटेरियल है वो है कोल। हम अर्थ क्रस्ट से कोल एक्सकेवेट करते हैं। दूसरा जो मटेरियल है वो है नॉन मेटेलिक मटेरियल। नॉन मेटेलिक मटेरियल मतलब माइका, सैंड, सिलिका, जिप्सम, लाइमस्टोन, जिनमें मेटल की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती या फिर उसमें मेटल अवेलेबल नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल, जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे सैंड, सैंड में कोई भी मेटल या उसका कोई भी मेटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जैसे लाइमस्टोन और सिलिका हो गया, इसमें मेटल अवेलेबल नहीं होता है। तीसरा है मेटेलिक ओर। मेटेलिक ओर मतलब जिस ओर में या फिर जिस मिनरल्स में जो हम एक्सकेवेट कर चुके हैं, उसमें मेटेलिक परसेंटेज हो, मेटल इन द सेंस कोई भी मेटल उसमें अवेलेबल हो, या तो आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीस, ETC, कोई भी अगर से मेटल उस मिनरल में अवेलेबल है, तो उसको मिनरल ओर कहा जाता है या फिर मेटेलिक ओर कहा जाता है। तो उस ओर से क्या होता है, हमें एक ओर से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे आप सिंपली समझ लीजिए, मेटेलिक ओर्स मतलब वो ओर जिसे हमने अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया है और जिसमें मेटल का कुछ परसेंटेज है, उसे बोलेंगे मेटेलिक ओर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ओवर से कोई भी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया हुआ है, एक बॉक्साइट का ओवर है, एक बॉक्साइट ओवर है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओवर होता है, एल्यूमिनियम मेटल का ओवर होता है बॉक्साइट। तो सपोज़ हमारे पास एक ओवर है, ओवर जो कि एकदम नॉर्मल पत्थर की तरह दिखता है, उसे क्या करना होता है, उस ओवर को हमें भेजना होता है बेनिफिशियरी प्लांट या प्रोसेसिंग प्लांट भी जिसे कहा जाता है। उस बेनिफिशियरी प्लांट में क्या होता है, ओवर की क्रशिंग वगैरह किया जाता है, उसे एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उस ओवर से क्या होता है, गैंग्यू मटेरियल जो होता है, जिसे वेस्ट मटेरियल भी कहा जाता है, उस ओवर से गैंग्यू मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को अलग कर दिया जाता है, मतलब सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ओवर से जितना भी मेटल है उसे अलग और गैंग्यू मटेरियल को अलग, मतलब दोनों को सेपरेट करने के बाद उसे उस ओवर से जिस मेटल का भी वो ओवर हो, उस मेटल को सेपरेट कर दिया जाता है और उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है बेनिफिशियरी प्लांट में। इससे हमें वो मेटल ऑब्टेन हो जाता है, जिससे हम उस मेटल को कास्टिंग करके या फिर अदर यूज़ में हमें उसे यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो है व्हाट इज़ माइन।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको माइनिंग ऑपरेशन अगर से समझ में आ गया हो तो आपको माइन भी समझ में आ जाएगा। जो हम माइनिंग ऑपरेशन करते हैं वो हमें किसी ना किसी प्लेस में करना होता है, तो जिस प्लेस में भी हम माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उस प्लेस को कहेंगे माइन। जैसे कि आप डेफिनेशन रीड कर लीजिए, इट इज़ द प्लेस वेयर द ऑपरेशन ऑफ माइनिंग इज कैरिड आउट टू एक्सकेवेट द इकोनॉमिकल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर से देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि माइनिंग ऑपरेशन जिस भी प्लेस में कर रहे हैं उस प्लेस को माइन कहा जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि माइन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ओपन कास्ट माइन और दूसरी अंडरग्राउंड माइन। बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे जो है ओरिजिन ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ कोल, यानी कोल जो है वो कैसे बना। तो देखते हैं यहाँ पे दो थेरीज है कोल के ओरिजिन की, दो थेरीज यहाँ पे दिखी हुई है। पहली थेरी है ड्रिफ्ट थेरी और दूसरी थेरी है इंसिट्यू थेरी। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं ड्रिफ्ट थेरी। ड्रिफ्ट थेरी में क्या होता है, इंडिया का जो जितना भी 80% कोल है वो माना जाता है कि ड्रिफ्ट थेरी के अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ है। तो चलते हैं जानते हैं ड्रिफ्ट थेरी मतलब होता है क्या है। तो ड्रिफ्ट थेरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एक कोल फॉरेस्ट हुआ करता था। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक कोल ट्रीस है। कोल ट्रीस कहने का मतलब यहाँ पे एक जंगल है जहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे हैं, उसे हम कोल ट्रीस कह रहे हैं। वो रिवर के साइड में ही है और उस रिवर में एक बहता हुआ पानी आ रहा है जो कि एक लेक यानी एक तालाब से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर से एक बारिश होती है या तूफान आता है तो ये जो कोल ट्रीज है इसके जो पेड़ पौधे हैं या जो भी कोल फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ पौधे या वेजिटेबल मैटर्स है वो इस रिवर में फ्लो होते हुए, स्ट्रीम लाइन ऑफ वाटर में फ्लो होते हुए इस लेक में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस लेक में जो है कोल ट्रीज डिपॉजिट हुए हैं। इस डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है, जब समर का सीज़न आता है तो ये जो रिवर है ये सूख जाती है। सूखने की वजह से क्या होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे कोल ट्रीज की जो लेयर है डिपॉजिटेड कोल ट्रीज इसके ऊपर में ये सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो क्या होता है, कोल ट्रीज के लेयर के ऊपर एक सेडिमेंट्स की लेयर जम जाती है। जब सेडिमेंट्स की लेयर वहाँ पे हो रही है तो जब समर का सीज़न ख़त्म होके फिर से बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है तो फिर से वही साइकिल रिपीट होता है और वो रिवर में जो वाटर स्ट्रीम है उसमें बह के कोल की ट्रीज आके फिर से डिपॉजिट हो जाती है। देन फिर से समर का सीज़न आता है, फिर से सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे ही साइकिल कंप्लीट होते हुए एक यहाँ पे आप देखेंगे लेयर बाय लेयर फॉर्म हो चुका है। तो जब ये हो जाता है, कुछ समय बीतता है, कुछ अरसा बीतता है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कोल ट्रीज डिपॉजिटेड है ये कोल ट्रीज कोल में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वो कोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से कोल का फॉर्मेशन हुआ है। अब जानते हैं इंसिट्यू थ्योरी के बारे में। तो इंसिट्यू थ्योरी में क्या होता है, ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कोल ट्रीज है और कोल फॉरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई रिवर नहीं है, यहाँ पे एक स्वैम्प है यानी कि एक गड्ढा सा है। यहाँ पे देख लीजिए आप, एक कोल ट्री का फॉरेस्ट है और एक स्वैम्प है यहाँ पे गड्ढा सा। क्या होता है, जब यहाँ पे बारिश आती है, जब रेनी सीज़न होता है या तूफान आ रहा है तो ये जो कोल फॉरेस्ट के जो वेजिटेबल मैटर्स है ये इस स्वैम्प में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस गड्ढे में जाके ये सारे वेजिटेबल मैटर पेड़ पौधे जाके जमा हो जाते हैं और वहाँ पे एक मतलब धस जाते हैं जिसे कहेंगे, जो लैंड का जो सिंकिंग होने की वजह से मतलब
जमीन जो है गीली होने की वजह से जमीन जो है नीचे दबना स्टार्ट हो जाती है, और लैंड सिंकिंग की वजह से ये जो है वेजिटेबल मैटर्स उस स्वैम्प में जाके जमा हो जाते हैं, एक्यूमिलेट हो जाते हैं। उसके बाद सेम सेडिमेंट्स आता है, और सेडिमेंट्स आने के बाद उस जो स्वैम्प में जो लेयर डिपॉजिट हुई है, सॉरी लेयर नहीं कहेंगे उसे, स्वैम्प में जो वेजिटेबल मैटर्स और पेड़ पौधे डिपॉजिट हुए हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं, उसके ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर आ जाती है। देन फिर वो वही साइकिल जैसे मैं ड्रिफ्ट थ्योरी में था, वैसे साइकिल इसमें भी रिपीट होते चलता है, और कोल जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट, कि जो ओर मिनरल है वो कैसे, उसका डिपॉजिट जो है वो फॉर्म हुआ है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो ओरिजिनल जो ओर डिपॉजिट है उसका फॉर्म होने के पीछे में जो सबसे बड़ा रीज़न वो है मैग्मा। हमारे अर्थ में जो अर्थ का जो कोर का जो पार्ट है या उसमें जो मैग्मा अवेलेबल है, उस वजह से जो है ओर का डिपॉजिट फॉर्म हुआ है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन वो अगेन क्लासिफाई हुआ है, कि जो मैग्मा के वजह से वो कैसे क्या फॉर्म हुआ है, उस वजह से वो फिर से क्लासिफाई हुआ है। तो वो है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सारा जो क्लासिफाई हुआ है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है। जो आप ये सारी चीज़ें जियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है, आप ये सारी चीज़ें जियोलॉजी में पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ने वाले होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है ओर डिपॉजिट्स इन इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पहले नंबर का मेटल जो है वो है गोल्ड। गोल्ड के जो ओर डिपॉजिट है वो होता है कोलार गोल्ड फील्ड एंड हत्ती गोल्ड फील्ड कर्नाटका में। हमारे इंडिया में कोलार गोल्ड फील्ड और हत्ती गोल्ड फील्ड में ही जो है अभी उसके माइंस स्टार्ट हुए हैं, और ह्यूज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड ओर कर्नाटका में ही अभी तक के मतलब बड़ा ओर डिपॉजिट पाया गया है। उसके बाद है आयरन डिपॉजिट। आप देखते हैं इंडिया में आयरन ओर के डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। पहला तो बिहार एंड उड़ीसा, इस जोन में आयरन के ओर्स जो है डिपॉजिट है। उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी है, उसके बाद गोवा में भी आयरन का ह्यूज डिपॉजिट है, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा में आयरन का डिपॉजिट बहुत है। अब देखेंगे मैग्नीज ओर का डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे है। पहला तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जोन है, जिसमें एक रिच डिपॉजिट है मैग्नीज का। उसके उसके बाद बाद आता है बिहार, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश जोन, इस जोन में भी मैग्नीज का डिपॉजिट अवेलेबल है। उसके बाद आता है कर्नाटका एंड गोवा जोन, कर्नाटका और गोवा जोन में भी मैग्नीज का डिपॉजिट पाया जाता है। अब बात करते हैं कॉपर ओर डिपॉजिट की, तो इंडिया में कॉपर ओर डिपॉजिट जो है वो सिंगभूम बेल्ट में पाया जाता है, जो कि झारखंड और बिहार का पार्ट है। उसके बाद खेतरी बेल्ट में पाया जाता है, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद कॉपर के ओर डिपॉजिट जो है मलाजखंड डिपॉजिट है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अग्निगुंडला डिपॉजिट आंध्र प्रदेश, उसके बाद सिक्किम कॉपर बेल्ट, यहाँ पे जो है कॉपर का ओर डिपॉजिट अवेलेबल है इंडिया में। उसके बाद देखेंगे लीड एंड जिंक का डिपॉजिट, तो लीड और जिंक का डिपॉजिट जो है वो जावर बेल्ट में है राजस्थान में। उसके बाद जो है अंबा माता बेल्ट गुजरात, सर्गीपल्ली डिपॉजिट उड़ीसा और अग्निगुंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो है लीड और जिंक का डिपॉजिट इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे एल्यूमिनियम ओर डिपॉजिट की, तो एल्यूमिनियम के जो ओर है वो बिहार और झारखंड में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सारे जो है स्टेट यहाँ पे एल्युमिनियम का ओर डिपॉजिट अवेलेबल है। उसके बाद बात करेंगे माइका की, तो माइका जो होता है उसका डिपॉजिट इंडिया में माइका बेल्ट ऑफ बिहार
एंड आंध्र प्रदेश एंड माइका बेल्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे माइका का डिपॉजिट अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।